गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नेम इज़ ममता वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एंड आई विल बी टीचिंग यू फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक जो हम फॉलो करेंगे वो होगी वीके पब्लिकेशंस की डॉक्टर आर के मित्तल की बुक तो सेकेंड शाम का जो हमारे पास सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमारे पास टोटल सिक्स चैप्टर्स हैं एज कम्पेर टू जो चैप्टर्स आप अदर चैप्टर्स जो चैप्टर्स आप पहले करके आए हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स है पूरा जो आप ट्वेल्थ में पढ़ के आए हैं सेम एग्जेक्टली exactly वही पार्टनरशिप अकाउंट यहाँ पे दोबारा से आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स पार्टनरशिप अकाउंट्स एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पार्टनरशिप अकाउंट्स में रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर पार्टनरशिप अकाउंट्स में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म तो अगर इसी चीज को हम सिलेबस में देखते हैं तो सिलेबस का पैटर्न वही है जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था दैट इज टोटल नाइन क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी होगा जिसमें फाइव शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन होंगे फोर मार्क्स ईच के जो कंपलसरी क्वेश्चन है और वो एंटायर सिलेबस में से हो सकते हैं बाकी जो आपके चार क्वेश्चंस हैं आपको बाकी रिमेनिंग एट क्वेश्चंस में से करने होते हैं जो फिफ्टीन मार्क्स ईच के होते हैं सिलेबस में जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी जब डिस्कस किया था सिलेबस में तो हमने बात की थी कि जो भी आपका सिलेबस होता है उसमें पैराग्राफ्स जो दिए होते हैं पैराग्राफ वाइज ही हम जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो पैराग्राफ वाइज हम उसको देखते हैं किस तरीके से जो पेपर में क्वेश्चन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पहला जो है आपका दैट इज ब्रांच अकाउंट्स डिपेंडेंट ब्रांच इसमें हमने करना है और उसके अंदर मेथड्स कौन कौन से हमने करने हैं सिस्टम स्टॉक एंड सिस्टम फाइनल अकाउंट्स होल सेल ब्रांच देन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम का चैप्टर है जिसमें कंसेप्ट एंड लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर गुड्स ऑफ सब्सटेंशियल सेल्स वैल्यूज है Then partnership accounts make characteristics of partnership, partnership deed, final accounts, adjustment after closing the accounts, fixed and fluctuating capital accounts, goodwill, joint life policy, change in profit sharing ratio. Then reconstitution of 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 partnership partnership, admission, retirement, death of a partner, dissolution of partnership, modes and accounting treatment। हम पैराग्राफ वाइज जब हम यहाँ पे सिलेबस देख रहे हैं तो इसका मतलब चार पैराग्राफ्स बने हुए इट means कि चारों पैराग्राफ में से एक एक क्वेश्चन तो आपका का? आना ही आना है और इसमें जब हम देखते हैं देखिए ब्रांच अकाउंट्स फुल फ्लेज चैप्टर है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम फुल फ्लेज चैप्टर है जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक है पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसमें आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तक का जो चैप्टर है वो आ जाता है और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात हम कर रहे हैं तो इट मीन एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड ऑफ पार्टनरशिप ये जो आपके तीन चैप्टर्स हैं इन तीन में से एक पैराग्राफ बनता है आपका तो इट मीन्स कि जब हम पार्टनरशिप में से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम देखते हैं कि जो पेपर आता है क्वेश्चन पेपर होता है वो सेटअप किया जा सकता है दैट इज की ब्रांच अकाउंट से क्वेश्चन And equation, आप दो से तीन क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो ये था हमारा सिलेबस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकेंड साम का तो फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं दैट इज ब्रांच Accounts. Branch accounts क्या होते हैं? उससे पहले है, जब वो अपना बिजनेस कर रही है तो वो खाली एक फिक्स जगह पर रहकर अपने आप को ग्रो नहीं कर सकती अगर उसे अपने आप को ग्रो करवाना है अपने profits इंक्रीज करने हैं तो उसे अपनी जो एक्सेसिबिलिटी uh, है कि कहां कहां पर वो अवेलेबल है उसे इंक्रीज करना पड़ेगा और उसे इंक्रीज करने के लिए एक जो मेथड है उसके पास दैट इज ब्रांचेस खोलना तो ज, जब आप ब्रांचेस खोल रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आप ब्रांचेस खोल रहे हो आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सेसिबल करवा रहे हो पब्लिक के थ्रू दोज ब्रांचेस तो यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं आप अपनी कंट्री के अंदर भी खोल सकते हैं और ब्रांचेस आप अब्रॉड भी खोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर सेल करना चाहते हैं लेकिन जो ब्रांचेस हैं उसे कंट्रोल कौन करता है कंट्रोल उसे हेड ऑफिस ही करता है जब हेड ऑफिस ब्रांचेस को कंट्रोल कर रहा है इसका मतलब कि उसे हर एक ब्रांच की जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उससे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है उसके लिए भी उसे कुछ ना कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा तो ब्रांच अकाउंट्स हम उसी लिए मेंटेन करते हैं ब्रांच अकाउंट्स का मेंटेन करने का मेन पर्पस है कि ये पता लगाना कि हर एक ब्रांच से कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है अरेंजमेंट ऑफ गुड्स करना ब्रांचेस के लिए कैश की अरेंजमेंट करना हर एक ब्रांच के लिए ब्रांचेस को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि उनके अकाउंट्स अलग अलग प्रिपेयर किए जाएं उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप ब्रांच अकाउंट्स मेंटेन करें क्योंकि जब आप हर एक ब्रांच आ, का अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि, कि किस ब्रांच में कैसी मैनेजमेंट हो रही है कहां से कितना प्रॉफिट आपको

इंडिपेंडेंट ब्रांचेस आपके सिलेबस में जो है दैट इज होम ब्रांचेस में सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांचेस के जो अकाउंट्स हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए जो है, वो आपके में है. तो हम शुरू करते हैं होम ब्रांचेस से होम ब्रांचेस जैसे कि अभी हमने मीनिंग किया कि होम ब्रांचेज का मतलब है वो ब्रांचेस जो ऑपरेट कर रही है आपकी कंट्री की बाउंड्री के अंदर उसे हम होम ब्रांचेस कहते हैं जो हेड ऑफिस है और जो ब्रांचेस है वो सेम ही कंट्री में है और जब हम इसे स्टडी करते हैं तो दो पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया दैट इज डिपेंडेंट ब्रांचेस और इनडिपेंडेंट ब्रांचेस जैसे कि नेम से ही क्लियर है डिपेंडेंट ब्रांचेस मतलब वो ब्रांचेस जो हेड ऑफिस के ऊपर किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट रहेंगी इनडिपेंडेंट ब्रांचेस जहां पर जो हेड ऑफिस है वो ब्रांचेस को पावर दे रहा है ऑपरेट करने की तो जो ऑपरेट करने का मतलब ये नहीं है कि फुल फ्लेज आपने उसको पावर दे दी उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा तो डिपेंडेंट ब्रांचेस की अगर हम देखें तो वो ब्रांचेस जिनका जो कंप्लीट अकाउंट्स है वो उनके हेड ऑफिस ही मेंटेन करते हैं उसे हम डिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं इन ब्रांचेस का जो अकाउंट का पूरा सिस्टम है कि कहाँ कितना सामान उनके पास गया कहाँ से कितना पैसा उनके पास जाएगा रिगार्डिंग एक्सपेंसेस के लिए या वहां जो भी उन्होंने ब्रांचेस ने सामान बेचा है उसका जो भी सेल्स उनकी हुई है उसको कैसे वो आपके पास वापिस कैश हेड ऑफिस के पास आता है वो सारी चीजों के जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं कंप्लीट रिकॉर्ड है वो हेड ऑफिस मेंटेन करता है जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती है वो कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती है उनके कंप्लीट अकाउंट्स मेंटेन करता है हेड ऑफिस और इन ब्रांचेस के फीचर्स क्या होते हैं ये ब्रांचेस सिर्फ और सिर्फ वही गुड्स सेल कर सकती हैं जो इन्हें हेड ऑफिस ने भेजी हैं जो भी मेजर एक्सपेंसेस है ब्रांचेस के वो हेड ऑफिस पे करता है छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए जिसे हम पेटी एक्सपेंसेस कहते हैं जो भी ब्रांचेस के होंगे उसके लिए जो हेड ऑफिस है उन्हें पेटी कैश एडवांस में सेंड कर देता है और ये ब्रांचेस को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जो भी कैश सेल्स आपकी होगी या जो भी अगर आप क्रेडिट पर सेल कर रहे हो तो जो भी कलेक्शन आपका डेप्टर से होगा उसे आप डायरेक्टली हेड ऑफिस में भेजेंगे या एक अकाउंट जो ओपन है इन दी नेम ऑफ हेड ऑफिस वहाँ पे आप उसे डिपॉजिट करवाएंगे जो भी कंप्लीट रिकॉर्ड्स है रिलेटेड टू दीस ब्रांचेस उसे हेड ऑफिस रखता है अपने बुक्स में तो ये जो ब्रांचेस हैं वो सिर्फ मेमोरेंडम बुक्स बनाती हैं वो कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती हैं मेमोरेंडम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाता है उनकी सेल्स बुक कैश बुक स्टॉक रजिस्टर एक्सेट्रा अब हम बात करते हैं क्या अकाउंटिंग है? प्रोसीजर uh, है उसे मेंटेन करने के लिए तो जो अकाउंट्स है डिपेंडेंट ब्रांचेस के उन्हें हेड ऑफिस डिफरेंट मैथड्स के थ्रू मेंटेन कर सकता है वो मैथड्स क्या क्या हैं सबसे पहला मैथड है डेप्ट और डायरेक्ट मैथड फाइनल अकाउंट सिस्टम स्टॉक एंड डेप्टर्स सिस्टम एंड होल सेल प्राइस सिस्टम अब इसी चीज को अगर हम आपके सिलेबस में देखें कि आपके सिलेबस में कौन कौन से मैथड्स हैं तो यहाँ पे चेक कीजिए आप सिलेबस में सिस्टम फाइनल अकाउंट एंड होल सेल ब्रांच मतलब कि जो आपको इस चैप्टर में करना है दैट इजेंडेंट ब्रांचेस के ये चारो मैथड्स आपको करने है तो सबसे पहला जो मैथड है हमारे पास दैट इज डेप्ट सिस्टम इस मेथड के अंदर सिर्फ एक अकाउंट हर एक ब्रांच के लिए ओपन किया जाता है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस उसी एक अकाउंट में आप उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उसे ब्रांच अकाउंट कहा जाता है जो पर्पस है इस अकाउंट को मेंटेन करने का दैट इज प्रॉफिट और लॉस पता करना एक पर्टिकुलर पीरियड में ब्रांच से कितना हुआ है जो ब्रांच अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट है नेचर में अगर आपकी क्रेडिट साइड ब्रांच की एक्सीड कर रही है डेबिट साइड से तो वो आपको प्रॉफिट दिखाएगा और अगर आपकी साइड कर रही है क्रेडिट साइड से तो वो आपको लॉस दिखाएगी जस्ट जैसे आपका पी एन एल अकाउंट जब हम बनता था तो जो हमारा पी एन एल अकाउंट था वो भी नॉमिनल अकाउंट था सेम तरीके से आपका जो ब्रांच अकाउंट है वो भी नॉमिनल अकाउंट है तो यहाँ पे भी वही सेम रूल फॉलो हो रहा है कि डेबिट में Uh, अगर आपका जो डेबिट साइड है वो एक्सीड कर रहा है क्रेडिट साइड से तो आपका लॉस दिखाएगा और अगर आपकी क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है डेबिट साइड से तो आपको प्रॉफिट शो करेगा तो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो डिपेंडेंट ब्रांच है उसके अंडर हम इस मेथड के अंदर जब हम डेप्टस और डायरेक्ट सिस्टम का मेथड कर रहे हैं तो हम उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो तीन ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं जब ब्रांच गुड्स रिसीव कर रही है हेड ऑफिस से एट कॉस्ट प्राइस और सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स कर रही है दूसरा जब ब्रांच रिसीव कर रही है गुड्स हेड ऑफिस से एट कॉस्ट प्राइस लेकिन वो कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों कर रही है तीसरा है जब डिपेंडेंट ब्रांचेस जिनको गुड्स सप्लाई हेड ऑफिस कर रहा है इन वॉयस प्राइस या सेलिंग प्राइस पर अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस है तीनों मैथड्स में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस में फर्स्ट मैथड में आप कॉस्ट प्राइस में उसे सेंड कर रहे हैं और सिर्फ कैश सेल कर रहे हैं सेकंड मेथड में क्या डिफरेंस आ गया कि सेंड तो सब कुछ वही फर्स्ट मेथड जैसा हो रहा है लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज ऐड हो गई दैट इज क्रेडिट सेल्स तो यहाँ पे आप देखेंगे जब, जब हम इन मेथड uh, को जब हम डिटेल में करेंगे कि कैसे आप इसके अकाउंट्स बनाते हैं तो सेकंड मेथड जो है उसमें सिर्फ जो वाली चीज है वो ऐड हो गई जब हम थर्ड देखते हैं तो यहाँ पे काफी चीजें ऐड होंगी जब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे वो क्यों क्योंकि यहाँ पे जो गुड्स हैं वो हेड ऑफिस सप्लाई किस पे कर रहा है इन In प्राइस पर इन प्राइस या सेलिंग प्राइस का मतलब है कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट प्राइस में आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है उसे ऐड किया है इट मींस कि जब भी हम ब्रांच अकाउंट्स बना रहे हैं तो अगर हमें अपना ट्रू प्रॉफिट और लॉस जानना है कि कितना हुआ है तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ जब कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं तभी हम जान सकते हैं कि हमें कितना एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस हुआ है तो यहाँ पे जो भी हमने कॉस्ट प्राइस और इन्वाइस प्राइस के बीच का जो डिफरेंस हमने रिजर्व की तरीके से शो किया है हमारे अकाउंट्स में उसके लिए हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं तो जो सबसे पहला मैथड है हमारा दैट इज ब्रांचेज रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस एंड मेकिंग कैश सेल्स ओनली इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच